अब स्वराज आएगा, हमारी अपनी सरकार होगी, इसलिए अब हमें नए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी करना है। जो अध्यक्ष होगा उसे ही सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा और आजाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी वही होगा। मौलाना ने पिछले 6 बरस से ये जिम्मेदारी बड़ी अच्छी तरह से संभाली। अब मैं चाहता हूं कि ये बोझ कोई और संभाले। जैसा आप बेहतर समझे। 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार का नाम प्रस्तावित किया है। कुछ एक ने कृपलानी का नाम भी लिया है, लेकिन वो तो कृपलानी ने अपना नाम जवाहर के हक में वापस ले लिया। तो अब रह जाते हैं सरदार और जवाहर। पर मैं चाहता हूं कि चुनाव एक मत से हो, ताकि किसी के मन में शंका ना रह जाए। जवाहर, तुम्हारे नाम का प्रस्ताव किसी भी प्रदेश कमेटी की ओर से नहीं आया है, सिर्फ वर्किंग कमेटी ने ही सुझाव रखा है। तुम्हारा क्या कहना है? मैं अपना नाम वापस लेता हूं। लेकिन तुम्हारा रहना भी बहुत जरूरी है सरदार, देश के हित में। तुम दोनों को सरकार के दो पहियों की तरह काम करना होगा। क्या तुम जवाहर के साथ काम कर सकोगे?